हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा तहसील पालमपुर ब्लॉक पंचरुखी के तहत आती पंचायत सल्याना में बना शमशान घाट बड़े बड़े पार्कों को भी टक्कर देता है। इस सौंदर्य की कहानी सुनाते हुए पंचायत प्रधान सुखराम जी कहते हैं कि जिला कांगड़ा का ये पहला शमशान घाट है जहां लोग घूमने आते हैं। प्रधान जी का कहना है कि ये सब इस पंचायत के दानी सज्जनों की कमेटी के सहयोग से संभव हो पाया है। पहले इस शमशान घाट की देखरेख स्थानीय लोग करते थे, परंतु पिछले 1.5 साल से एक अघोरी बाबा इसकी देखरेख कर रहे हैं। बाबा का कहना है कि इस शमशान घाट में भोलेनाथ, माँ काली, हनुमान व यमराज की मूर्तियां स्थापित हैं और कई प्रकार के औषधीय पौधों के साथ कई किस्म के फूलों की भी भरमार है। इस शमशान घाट में हर रोज भजन कीर्तन भी किया जाता है। पंचायत प्रधान सुखराम व अघोरी बाबा ने इस सब का श्रेय गांव के लोगों के सहयोग व सरकार को दिया है। पेश है पंचरुखी से पीआर न्यूज हिमाचल के लिए वृज धीमान व अजय राणा की एक विशेष कवरेज। नमस्कार जी, मैं सुखराम प्रधान ग्राम पंचायत सल्याना इस समय गांव सल्याना के शमशान घाट में खड़ा हूँ। ये शमशान घाट ही नहीं, एक बहुत ही सुंदर पार्क है। इसमें तरह तरह के औषधीय पौधे लगाए गए हैं, जैसे रुद्राक्ष, हर, भेड़ा, आंवला, इसके अलावा भी अन्य प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। इस शमशान घाट में सारी सुविधाएं हैं, जैसे पीने के पानी की सुविधा, मंदिर, शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। ये मेरी नज़र से ये शमशान घाट जो वो जिला कांगड़ा में सर्वोपरि है। इस शमशान घाट का सौंदर्यकरण प्रभु की कृपा से और समस्त गांव वासियों के सहयोग से, शमशान घाटी कमेटी के सहयोग से, बाबा जी के सहयोग से एवं ग्राम पंचायत सल्याना के सहयोग से इसका सौंदर्यकरण करवाया गया है। इसमें शाम को भजन कीर्तन, बच्चों के आना जाना यहाँ लगा रहता है। बहुत ही सुंदर एक वाटिका है, इसमें हाल में ही नए शमशान घाट का निर्माण करवाया गया है। साथ में ही चक डैम का कार्य करवाया गया है, जिससे जो इसका सुंदरीकरण और बढ़ गया है। Thank you.